नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 21 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी, जहां वे मसोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास में रहेंगी और टूलिप गार्डन का उद्घाटन करेंगी। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राजभवन में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भी वे शाम में भाग लेंगी। लॉरेंस बिश्नोई को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि बिश्नोई पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मामले में भी आरोपित है। इसके अलावा उस पर पंजाब के एक होटल मालिक को धमकाने का आरोप है। साथ ही उस पर दर्जनों ऐसे मामले हैं जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सहित कई अन्य राज्यों में दर्ज किए गए हैं। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञान वापी के अंदर वजू की अनुमति मांगी है, जिस पर सीजेआई ने आदेश जारी कर आज वाराणसी कलेक्टर को संबंधित पक्षों से मीटिंग बुलाकर फैसला करने को कहा है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। प्रयागराज में हुए अतीक अशरफ मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में है, जहां योगी सरकार ने मामले में न्यायिक आयोग की गठन की है, जो आज से जाँच शुरू कर देगी। आज विश्व धरोहर दिवस है। इस उपलक्ष में आगरा के ताजमहल सहित सभी ऐतिहासिक स्मारक पर पर्यटकों की एंट्री फ्री रहेगी। इस दौरान बैनर लगाकर नई पीढ़ी और लोगों को स्मारकों को संरक्षित करने के प्रति जागरूक किया जाएगा। आज भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वीर सपूत तात्या टोपे का बलिदान दिवस है। वे देश में आजादी का बिगुल फूकने वाले बड़े नामों में से एक थे। तात्या टोपे देश में न सिर्फ 1897 में स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी थी, बल्कि पूरे देश में आजादी की चेतना का सूत्रपात किया और गुलामी को अपना भाग्य मान चुकी पूरे देश की जनता को यह बताया कि आजादी क्या होती है और उसे हासिल करना कितना जरूरी है। भारत और रूस के बीच अंतर सरकारी आयोग यानी IGC की पूर्ण बैठक आज होगी, जिसके बाद सह अध्यक्ष 24वीं IGC बैठक के अंतिम प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करेंगे। बता दें कि रूसी उप प्रधानमंत्री मंटूरोव आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में होगी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अतीक अहमद के वकील ने किया है बड़ा खुलासा। कहा, CJI के साथ CM योगी आदित्यनाथ के पास भी पहुंचेगी सील बंद चिट्ठी, जिसमें लिखा होगा अतीक और अशरफ को मारने वाले का नाम। उधर अतीक के बाद अब माफिया मुख्तार अंसारी को भी लग रहा है डर, बढ़ाई गई उसकी सुरक्षा। माफिया अतीक मामले पर BJP को घेरने चले थे बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव। अपराधी को बताया अतीक जी, जिसके बाद BJP ने दिखाया आईना। दिल्ली के दक्षिण रोहिणी थाना क्षेत्र में रहने वाले हवाला ऑपरेटर के घर में घुसकर 5 करोड़ रुपए मांगने के मामले में सातिर बदमाश राम कुमार समेत 4 आरोपितों को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। खुद को राजस्व खुफिया निदेशक का अधिकारी होने का दावा करते हुए इन लोगों ने 5 करोड़ रुपए मांगे थे, जहां डर के कारण प्रीत ने 50 लाख रुपए दे भी दिया था। शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींसा ने पार्टी की बैठक के उपरांत जालंधर लोकसभा उपचुनाव में BJP को समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सिखों के कई जटिल मामले हैं, जिसका फिलहाल समाधान नहीं हो रहा है। अतीक अहमद के मामले के आरोपित अरुण मौर्या कभी हरियाणा के पानीपत में रहता था, जिस पर यहां 2 मुकदमा दर्ज था, जो 18 साल की उम्र में ही पहली बार जेल गया था। झारखंड में मिड डे मील घोटाले में आरोपित भानु कंस्ट्रक्शन संचालक संजय कुमार तिवारी की जमानत पर सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन उसके वकील बालाजी श्रीनिवासन ने केस लड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जज ने सुनवाई टाल दी। बता दें कि संजय कुमार तिवारी रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार में बंद है। उसे ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ सरकार का एक फर्जी पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह पत्र सभी पुलिस अधीक्षकों के नाम से छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वालों, अंधविश्वास फैलाने वालों पर राजद्रोह का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए। मध्य
प्रदेश के भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ का कार्यालय ऐसा होना चाहिए जहां आने वाले व्यक्ति को संघ जैसा वातावरण नजर आए, लोग किसी स्वार्थ अथवा भय के कारण संघ से ना जुड़ें। आत्मीयता ही एकमात्र वजह है जो लोगों को संघ से जोड़ती है। हिमाचल प्रदेश की पावटा पुलिस ने दो मामलों में पकड़ी 306 नशीली दवाओं की शीशियां। विभिन्न धाराओं में मामला किया गया दर्ज। जम्मू कश्मीर में कृषि उत्पादन विभाग किसान संपर्क अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसका उद्देश्य पूरे केंद्र शासित प्रदेश के किसानों का समग्र कल्याण करना है। कोलकाता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बीच विवाद में फंसी सीबीआई, जहां एक मामले में पूछताछ के लिए तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी को भेजा सम्मन। दरअसल 4 दिन पहले हाईकोर्ट ने सीबीआई को अधिकार दिया था, लेकिन सोमवार को सुबह सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने इसे कोर्ट की अवमानना करार दिया। हालांकि सीबीआई ने अब इस मामले पर सफाई दी है और सीबीआई स्पष्ट कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाने के बाद अब उनसे पूछताछ नहीं होगी। महाराष्ट्र के पिपरी चिंजवार कस्बे में लोगों पर लोहे का होर्डिंग गिर गया, जिस कारण 5 लोगों की जान चली गई। अहमदाबाद के बोटाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, 3 डब्बे हुए जलकर खाक। वहीं दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। राजस्थान कांग्रेस के संवाद में डोटासरा के स्टाइल पर बिफरे पायलट समर्थक विधायक, कहा ऐसा ही रहा तो रिपीट होली सरकार। सुल्तानपुर के जिलाधिकारी जसजीत कौर एवं पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा द्वारा आगामी नगर निकाय चुनाव के नामांकन स्थल कलेक्ट्रेट सुल्तानपुर का निरीक्षण किया गया और उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।